नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती भी लगभग सभी जिलों में निकलने वाली है और यहाँ पर कुछ जिले हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में निकलने वाली जहाँ पर पद खाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के, तो सभी जिलों में निकलेगी। तो आज हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, तो इसी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कौन कौन से जिले में वैकेंसी निकलने वाली है और क्या कुछ आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था 31/7/2023 को और ये लास्ट डेट की क्या रहेगी 6/8/2023। कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु नवीन निविदा प्राप्त किए गए हैं और ग्वालियर दिनांक 14/7/2023 द्वारा प्रचलित भवन सड़कों की कार्यदर सूची में निवास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालन महिला एवं बाल विकास मानदेय आधारित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस जिले में कितने पद यहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिक्त पद हैं वो जनवरी 24 से जून 24 तक की अवधि में रिक्त होने वाले पदों की ये संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिले का नाम, यहाँ पर परियोजना का नाम, मतलब किस वार्ड में किस गाँव में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने पद है, सहायिका के कितने पद है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने पद है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कितने पद है, आंगनबाड़ी सहायिका के कितने पद है और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब जानकारी देखने को मिल रही होगी। तो बैतूल जिले की बात करें तो बैतूल जिले के भीमपुर में, आमला में, भैंसदोही में, चिचोली में, बैतूल ग्रामीण में, घोंगा डोंगरी में, मुतलाई में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले का योग दे रहा है। तो टोटल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2 पद हैं और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 21 पद हैं, उसके बाद आंगनबाड़ी सहायिका के भी 25 पद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और हरदा जिले की बात करें तो हरदा जिले के हरदा ग्रामीण में, हरदा शहरी, खेतिया और टिमरनी में, तो यहाँ पर टोटल बस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के और सहायिका के 5 से 7 पद हैं। बात करेंगे नर्मदापुरम जिले की, नर्मदापुरम जिले में टोटल यहाँ पर आपको 1 पद देखने को मिल रहा है, वो 4 पद 3 पद। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप जिस जिले से हैं उस जिले की यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगामी जिलों के भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करो ताकि आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रवार, ग्रामवार, वार्डवार, वास्तविक रिक्त पदों की जानकारी, नियम आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना है तो नजदीकी महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। जिस ग्राम वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, आवेदक का ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम एवं शहरी क्षेत्र में उसी निवास की होनी चाहिए। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है उनके संबंध में यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में यदि कोई वाद प्रचलित है अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई वाद होता है तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, संबंधित महिला आवेदिका अपने पूर्ण भरे आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक शपथ सभी की फोटोकॉपी जरूर दें। विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक से 21/8/2023 तक कार्यालय समय में निर्धारित प्रारूप में आप जमा कर सकते हैं। मतलब इसकी लास्ट डेट जो है वो 21/8/2023 से है और ये 31 तारीख से आवेदन इसका स्टार्ट हो चुके हैं। कार्यालय संभाग संयुक्त संचालन महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम संभाग के पते पर प्रवेश आवेदित पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन था, हरदा जिले का है, बैतूल जिले का और नर्मदापुरम जिले का, इन 3 जिलों में वैकेंसी निकली। अगर कोई इससे रिलेटेड अपडेट आती है, अगर आपको कोई परेशानी है तो हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।